उपमंडल गोहर व उपमंडल थुना के अंतर्गत गत रात्रि बारिश के साथ हर तरफ तबाही का ही मंजर देखने को मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार उपमंडल गोहर की ग्राम पंचायत काशन के नव निर्मित प्रधान खेम सिंह का मकान जमींदोज हो गया, जिसमें 7 लोगों के दब जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उपमंडल थुनाग में तांदी नाले में बादल फटने जैसे हालात के चलते थुनाग बाजार में ऐसा दलदल का सैलाब आया कि पूरा बाजार ही दलदल हो गया। वहां पर सभी दुकानों में मलबा ही मलबा घुस गया है। वहीं पर ग्राम पंचायत गोहर के मैदान के ऊपर मलबा आने से मैदान में खड़ी एक एस्टीलो कार को भारी क्षति हुई है। वहीं जीवनी खंड में भयंकर बाढ़ आने से लोगों के घरों में पानी घुस गया और घर बाजार में दलदल ही नजर आ रहा है। लोगों की दुकानों में पानी और मलबा घुसने से लाखों का नुकसान आका जा रहा है। SDM गोहर रमन शर्मा ने बताया कि काशन गांव में एक मकान ढह गया है, जिसमें कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। उस स्पॉट पर जा रहे हैं, मगर सुबह 4 बजे के निकले हैं। जगह जगह पर रास्ते बंद हैं, इस वजह से अभी तक स्पॉट पर नहीं पहुंच पाए। हर 50 मीटर रास्ता बंद है, JCB साथ जा रही है, मगर अभी तक कितना नुकसान हुआ उसका बता पाना संभव नहीं है। गोहर के सुभाग सचदेवा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।